हेलो एवरीवन, दिस इज सौरभ है एंड आई विल बी टॉक टू टॉप 10 क्लासेज। और आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे अभ्यास 7.3 के दूसरे सवाल पर। पिछले क्लास में हमने अभ्यास 7.3 के पहले सवाल को हल कर लिया था। वीडियो आपने नहीं देखा, वीडियो डिस्क्रिप्शन में है और यहाँ पर आई लिंक में दिखाई दे रहा है। तो आइए हम लोग बात करते हैं अभ्यास 7.3 के तीसरा सवाल हमसे क्या कह रहा है। तो अभ्यास 7.3 का दूसरा सवाल हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में के का मान ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु क्या हो, संरेखी हो। हमें कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और कह रहा है कि उसमें के का भी मान ज्ञात कीजिए और जब बिंदु क्या हो, संरेखी हो। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जान लेते हैं जब त्रिभुज का क्षेत्रफल संरेखी होता है तो उसका फार्मूला क्या होता है। जो आपका प्रश्न नंबर 2 है वह आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, उसमें हमारे 2 प्रश्न है। आइए हम लोग पहले प्रश्न का जो हम लोगों को हल करना है उसके हम लोग सूत्र को जान लेते हैं कि जब त्रिभुज का क्षेत्रफल संरेखी हो, जब त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल संरेखी हो तब जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा वह क्या हो जाता है, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर हो जाता है 0। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो आइए अब हम लोग क्या करते हैं कि जब त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 0 हो जाता है तो मिलने वाला फार्मूला क्या हो जाता है कि 0 बराबर 1/2 x1 y2 - y3 + x2 y3 - y1 + x3 y1 - y2। यह हम लोगों का हो जाता है फार्मूला। तो हमारा दूसरे सवाल में दिया है, आपको प्रश्न दिखाई दे रहा है तो हम लोग उसको लिख लेते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है कि पहला है कि 7, -2, 5, 1 और 3 k के लिए k का मान ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे दिए गए त्रिभुज एबीसी के शीर्षों, एबीसी के शीर्ष जो हैं वह दिया है a, कितना दिया है 7, -2, b दिया है 5, 1 और c दिया है 3 k। तो हमें यह दिए गए निर्देश हैं। अब इसको हम लोगों को क्या कह रहा है कि इसमें जो k का मान को पता करना है। तो हम लोग सबसे पहले जो a का निर्देश है इसके कोऑर्डिनेट को हम लोग पता कर लेते हैं। तो x1 बराबर हो जाएगा 7 और y2 बराबर हो जाएगा -2, फिर x2 बराबर हो जाएगा 5 और y2 बराबर हो जाएगा 1, x3 बराबर हो जाएगा 3 और y3 बराबर हो जाएगा कितना k। अब इनका जो कोऑर्डिनेट है इसको उठाकर रख देते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल के संरेखी वाले फार्मूला में। तो हमारा यह हो जाएगा क्या, 0 बराबर 1/2 कोष्टक x1 दिया है, x1 का मान है 7, y2 का मान दिया है 1 माइनस y3 माइनस हो जाएगा k, प्लस x2 दिया है तो x2 का मान दिया है 5, फिर कह रहा y3 का मान दिया है k माइनस y1 का मान कितना दिया है यहां पर y1 का मान -2, फिर प्लस x3 है तो x3 का मान कितना दिया है k कोष्टक में y1 का मान दिया है -2, फिर चिन्ह में माइनस है तो माइनस y3 का मान दिया हुआ है कितना k, y1 के बाद माइनस y2 का मान कितना दिया है 1। अब हम लोग इसको हल करते हैं तो मिल जाएगा 1/2 कोष्टक में 7 का गुणा 1 में करेंगे तो 7 माइनस 7 का गुणा k में 7 k प्लस यहां पर 5 k है तो k का गुणा करेंगे 5 में तो 5 k हो जाएगा माइनस गुणे माइनस बराबर प्लस 5 का गुणा 2 में तो हो जाएगा प्लस 10 प्लस।
अब यक्ष थ्री है, यक्ष थ्री यहां पर है, तो यक्ष थ्री का मान हम लोगों को दिया है कितना, यक्ष थ्री का मान दिया है 3, यहां पर गलती हो गया था, यहां पर दिया है 3, 3 का गुणा करेंगे 2 में, नहीं तो इसके अंदर को पहले को हम लोग क्या करते हैं ऐड कर लेते हैं, -2 और -1 हो जाए कितना -3, और -3 का गुणा करेंगे +3 के साथ, तो 3 त्रिका कितना हो जाएगा -9 हो जाएगा। हम लोग इसके आगे हल करते हैं बराबर 1/2 कोष्टक में, यहाँ 7 है यहाँ 10 है, 7 10 हो जाएगा 17, 17 में से 9 को घटा देंगे तो बचेगा कितना 8, यहाँ पर देखो -7 के है, यहाँ पर +5 के है, तो 7 में से 5 को घटा देंगे बचेगा -2 के। अब यहाँ पर 1/2 है, यह 0 के साथ गुणा हो जाएगा तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 0 बराबर 8 -2 के। अब देखो यहाँ -2 है इधर आ जाएगा तो 2 के बराबर हो जाएगा 8, अब 2 यहाँ पर गुणा में इधर जाएगा क्या हो जाएगा भाग में, तो 8/2 यानी जो k का मान मिल गया वह कितना मिल गया 4 मिल गया। यही जो हमारा पहला सवाल दिया था, हमसे पूछ रहा है k का मान क्या होगा, तो k का मान कितना होगा 4 होगा। अब हम लोग चलते हैं दूसरे सवाल पर, जो दूसरे सवाल का दूसरा सवाल कर रहा है वह स्क्रीन पे आपको प्रश्न दिखाई दे रहा है पहले से ही, हम लोग दूसरे को भी क्या करते हैं हल कर लेते हैं। दूसरे के कह रहा है कि 8,1 के -4 2,-5 के बिंदु को संरेखी है, तो उसमें के का क्या करना है मान ज्ञात करना है, तो लिखेंगे दिए गए त्रिभुज ABC के शीर्ष A बराबर दिया है 8,1, B बराबर दिया है के -4 और C बराबर दिया है 2,-5 दिया है। हम लोग क्या करेंगे अब इसके कोऑर्डिनेट में प्रदर्शित करते हैं निर्देश में, तो यक्स वन बराबर हो जाएगा 8, वाई वन बराबर हो जाएगा 1, यक्स टू बराबर हो जाएगा के, और वाई टू बराबर हो जाएगा -4, और यक्स थ्री बराबर हो जाएगा 2, और वाई थ्री बराबर हो जाएगा -5। अब हम लोग इसको क्या करते हैं रखते हैं फार्मूला में, त्रिभुज एबीसी की संरेख है तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वह 0 बराबर हो जाएगा यक्स वन वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस यक्स टू वाई थ्री माइनस वाई वन प्लस यक्स थ्री वाई वन माइनस वाई टू। अब इसमें हम लोग रख देते हैं तो 0 बराबर हो जाएगा यक्स वन, यक्स वन का मान दिया है 8, वाई टू, वाई टू का मान दिया है -4 माइनस वाई थ्री, वाई थ्री का मान दिया है -5 प्लस यक्स टू, यक्स टू का मान दिया है के, वाई थ्री, वाई थ्री का मान दिया है कितना -5 माइनस वाई वन, वाई वन का मान दिया है 1 प्लस यक्स थ्री, यक्स थ्री का मान दिया है 2, वाई वन, वाई वन का मान दिया है 1 माइनस वाई टू, वाई टू का मान दिया है कितना -4। अब हम लोग इसको हल कर लेते हैं तो हो जाएगा 8 कोष्टक में माइनस गुड़े माइनस बराबर प्लस हो जाएगा, 5 में से 4 घटाएंगे बचेगा 1 प्लस के, देखो यहां पर -5 है, यहां पर -1 -5 और -1 हो जाएगा -6 प्लस 2, माइनस गुड़े माइनस बराबर प्लस हो जाएगा, 4 1 हो जाएगा 5 बराबर 8 का गुड़ा 1 में करेंगे 8, के का गुणा -6 में तो -6 के, और 5 दूना कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे अब 8 है, 8 में 10 को जोड़ देंगे यह हो जाएगा 18 -6 के। अब इसका बराबर जो क्षेत्रफल है वह 0 के बराबर है या -6 के इधर आएगा तो +6 के बराबर हो जाएगा 18। अब 6 यहां पर गुणा में इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा 18/6 यानी के का मान जो आ गया वह कितना आ गया 3 आ गया, के का मान कितना आ गया 3 आ गया। तो इस प्रकार जो हमारा दूसरा दिए गए सवाल थे वह पूर्ण रूप से क्या हो गए हल हो गए। अब हम लोग क्या करेंगे अगली क्लास में देखेंगे हमारा तीसरा सवाल हमसे क्या कह रहा है।